पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर ड्राइंग एंड 6 नंबर ड्राइंग से 3D ऑब्जेक्ट बना के दिखाया। इसमें 7 नंबर ड्राइंग को बनाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू को हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए एंड यहाँ से न्यू फाइल बनाते हैं। 7 नंबर की फाइल बना ली। फ्रंट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू। तो सबसे पहले हम जो व्यू बनाएंगे वो फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट प्लेन लीजिए, स्केच करिए। फ्रंट व्यू हम इस जगह शुरू करके ऐसे 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 बनाएंगे। इस पॉइंट से शुरू किया, ऊपर की ओर गया। जैसे ही एक लाइन बना लें आप, उसकी डायमेंशन ज़रूर बता दीजिए वो कितनी है। अब देखिए यहाँ पे इसकी डायमेंशन तो लिखी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है। एंड इसका अगर सामने से देखें तो ये पता चलता है 20 है। इसे 20 कर दीजिए। 20 किया तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा हो गया। यहाँ से रिपीट कर लीजिए। इसलिए कहते हैं कि डायमेंशन सबसे पहले दे दीजिए उसको, इसके बाद आगे बनाना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली लाइन हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, इसको भी ना बनाने का एक रीजन है। अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को टॉप से देखें तो हमें मालूम चलेगा कि जो ये वाली लाइन है ना, वो सेंटर में बनी हुई प्रोफाइल है। इसलिए सेंटर वाली प्रोफाइल को हम अभी नहीं बनाएंगे, इसको बाद में बनाते हैं। कमांड से बाहर चलते हैं, डायमेंशंस को एडिट कर दीजिए। ये है 5, ये 5 हमें यहाँ से मालूम चल गई। एंड ये चीज टोटल है 35 एंड इसे करते हैं 30, तो टोटल 35 हो जाएगा। अब ये डायमेंशन बची कितनी है, तो इस वीडियो में अगर इस साइड से देखें तो 20 एंड ये है 12.5, ये 15 है, ये 10 है। इस ड्राइंग को अगर ऊपर से देख रहे हैं तो इस व्यू से पता नहीं चलेगा कि ये लेंथ कितनी है, तो इसी व्यू से मालूम चलेगा। एंड इस व्यू में इन्होंने बताया नहीं, तो हम इस लाइन को भी 5 ही कर देते हैं डायमेंशन इसकी। इस इन ड्राइंग्स में काफ़ी मिस्टेक है। कमांड से बाहर चलते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड करते समय हम सेंटर प्लेन एक्टिवेट करके एक्सट्रूड करेंगे एंड टोटल एक्सट्रूजन होगा 35 नहीं, साइड से अगर देखते हैं तो ये 25+5 यानी 30 एक्सट्रूड करना है इसको। ओके, इतना बना लिया। अब अगर इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें ऐसा व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन टॉप व्यू से अगर यहाँ पे देखें तो व्यू कुछ इस हिसाब से नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसे सेंटर वाली प्रोफाइल बना लेते हैं। ये जो प्लेन है, सेंटर वाला प्लेन, हम यहाँ से लेके प्लेन को ही 10 mm डिस्टेंस पे बना लेते हैं। तो यहाँ से प्लेन ऑप्शन पहले बनाते हैं। इस प्लेन को इस प्लेन से कितनी दूर पर बनाना है, टेन एम एम पे बनाना है एंड इसे ओके कर दीजिए। तो ये देखिए प्लेन मिल गया। इस प्लेन को 10 mm पर बनाना है। इस प्लेन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्केच बनाया। अब ये आसानी से बन जाएगा। देन इस सेंटर लाइन से इस पॉइंट को मैच करा के कमांड से बाहर आते हैं एंड एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करते समय मेक श्योर कि यहाँ से सिमेट्री ऑन एंड एक्सट्रूजन डायमेंशन 5 एक्टिवेट कर दीजिए। ये सही तरीके से बन गया। इतना बनाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कट लगा हुआ है, कट ऐसे लगा हुआ है। यानी अगर फ्रंट से देखेंगे, राइट व्यू से, तो यहाँ पे ऐसे कट लगा हुआ है, लेकिन ये कट लगाने के लिए हम टॉप से इसमें कट लगाएंगे। तो इस व्यू में चलते हैं एंड यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं चल के। स्केच में लाइन, अब देखिए टॉप व्यू इस पूरी जो डायमेंशन, ये जो बीच की वाल है, यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस लेके फिर यहाँ तक आया है एंड ऐसे ऐसे
इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो बता रहा है 15 है, तो डायमेंशन दीजिए इस पॉइंट से इस लाइन को 15 दे दीजिए। एंड ये ऊपर की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 5, ठीक है 5 कर दीजिए। कमांड से बाहर चलते हैं एंड इसे एक्सट्रूड कट कर दीजिए, रिमूव मटेरियल नीचे की तरफ। अब अगर इसके हम फ्रंट व्यू को देखें एंड यहाँ से हिडन लाइन एक्टिवेट कर देते हैं, तो देखेंगे ये हिडन लाइन दिख रही है आपको जी हाँ, यहाँ से देखते हैं ये देखिए हिडन लाइन दिख रही है एंड यहाँ पर भी एक हिडन लाइन है, वो हिडन लाइन अभी नहीं दिख रही। तो यहाँ पर भी मटेरियल रिमूव है, तो देखते हैं वो मटेरियल कैसे रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी नज़र आई, देन उसके बाद राइट व्यू देखते हैं, राइट व्यू में ये चीज नज़र आ रहा है, यानी इस जगह से लेके ऐसे भी मटेरियल रिमूव किया गया है। तो इस राइट व्यू को लेते हैं, यहाँ पर स्केच बनाते हैं फिर से, देखिए वो ये जो मटेरियल रिमूव हुआ है इसी पॉइंट से हुआ है। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, ऊपर की ओर गए, यहाँ तक आए, नीचे आए, ये ड्राइंग बना ली। ये टोटल हाइट 12.5 रखी है इन्होंने, 12.5 एंड ये डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक 5 हो गई है। एंड इस स्केच को सिलेक्ट करके रिमूव मटेरियल, पीछे की ओर मटेरियल रिमूव करेंगे, डायमेंशन चेंज, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट एकदम परफेक्ट बन गया है। तो अगर यहाँ से फ्रंट व्यू करते हैं तो आपको एग्जैक्ट वही व्यू नज़र आएगा। ये देखिए ये हिडन लाइन यहाँ पर भी है, सॉरी ये व्यू देखिए बार बार वहाँ चली जाती है नज़र, ये दो हिडन लाइन है एंड ये ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है। टॉप व्यू, सारे व्यूज मैच होने चाहिए टॉप व्यू से, ये देखिए एग्जैक्ट टॉप व्यू मैच हो रहा है। एंड अगर राइट व्यू करें इसका, तो राइट व्यू भी मैच हो रहा है, इट मीन ये ऑब्जेक्ट हमारा एकदम सही से डिजाइन हुआ है। नेक्स्ट ड्राइंग है ये, तो इस नेक्स्ट ड्राइंग को भी चलिए बनाते हैं, ड्राइंग नंबर 8। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से देख के इसे हम स्केच बनाते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे ये डायमेंशन कितनी है, 50 का आधा 25। जब भी कोई सिमेट्रिकल डायमेंशन हो तो उसे हाफ ही बनाएंगे हम लोग, हाफ बनाएंगे एंड हाफ ऐसे ही बन जाएगी। इस पॉइंट से नीचे की ओर आते हैं, फिर इस साइड चलते हैं, ये इक्वल का कांस्टेंट लग रहा है, इक्वल नहीं करना हमको, बस इतनी बनानी है हमें ड्राइंग। ऐसे डायमेंशनिंग कर दीजिए, ये पहली डायमेंशन तो हो गई, इसे 15 करना है, इसे 15 कर दीजिए। ये है टोटल 80, यानी यहाँ से डायमेंशन लीजिए, इस सेंटर लाइन से इस लाइन को 40 कर दीजिए, 80 का 40 ये डायमेंशन है। यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन, ये जो डायमेंशन दी गई है वो इस लाइन के लिए, तो इसका यूज करना नहीं है हमको अभी। इस लाइन को लीजिए, इस लाइन को लीजिए, हम मिडल माउस प्रेस करिए एंड 110। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डायमेंशन 15 है, तो इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को लीजिए, यहाँ पे मिडल माउस प्रेस करिए, 15, ओके। इस डायमेंशन को एडिट करना है, ये यहाँ से लेके 30 दिया गया है, तो इस लाइन को सिलेक्ट करिए, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे मिडल माउस प्रेस करिए और उसे वैल्यू दे दीजिए 15। तो ये डायमेंशन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, ये डायमेंशन 35 है। अब ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाइए, कमांड से बाहर चलिए,
इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करिए, देन उसके बाद मिरर पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे क्लिक करिए तो मिरर हो जाएगी। इसके से बाहर आते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करेंगे एंड टोटल थिकनेस रखेंगे। थिकनेस हमें टॉप व्यू से मालूम चलेगी 30 + 25, यानी इसमें दो टाइप से डायमेंशन दी गई हैं। तो अब देखिए हमारे ऑप्शन में चलेगी ये साइड वन एंड साइड टू का यूज हो जाएगा। इस साइड की ओर साइड वन आ रही है तो इसे साइड वन को 25 कर दीजिए एंड पीछे साइड की ओर ब्लाइंड करके उसे एक्टिवेट करके 35 दे दीजिए, 30 25 एंड 30। ओके, तो अभी हमने ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये फ्रंट से दिख रहा है, लेकिन फ्रंट से आप देखेंगे तो ये कुछ इस हिसाब से है, यानी यहाँ पे कट लगी हुई है एंड सो टॉप से भी देखें तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है एंड इसके साइड से देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, एकदम बनाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे एंड समझ भी नहीं पाएंगे। देन इसके राइट व्यू को देखिए, ये राइट व्यू है इसका। इस राइट व्यू में आप देखेंगे कि इस जगह से ऐसे मटेरियल कट करके हटा दिया गया है एंड ये डायमेंशन यहाँ से 60 दी गई है इस एज की। तो चलिए इस सबसे पहले इस एज को एडिट करते हैं एक बार। एक डायमेंशन हमने मिस कर दी, ये चीज 60 है, कमांड से बाहर। फिर से राइट व्यू में चल के इतनी पोजीशन को कट करना है। तो यहाँ पे कट करने का ऑप्शन तो नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी गई कितनी कितनी कट करना है हमें मटेरियल को। तो हम इसके इस टॉप व्यू की हेल्प लेते हैं, उसमें बताएगा कितना कट करना है मटेरियल को। तो यहाँ पे दिखा रहा है मटेरियल को 20 कट करना है, 20, यानी यहाँ से ये डायमेंशन 20 है। तो चलिए चलते हैं इसका, राइट व्यू में इसके चुनाते हैं, यहाँ से डायमेंशन लीजिए। सबसे पहले इस बेस पॉइंट से यहाँ तक की डायमेंशन 40 दी गया है, यानी ये लाइन 40 mm डिस्टेंस पे है। इस बेस को सिलेक्ट करिए एंड इस लाइन को क्लिक करिए एंड यहाँ पे मिडल माउस करिए, ये वैल्यू 40 दे दीजिए, 40 हो गई। इतना करने के बाद ये जो अंदर की ओर जो डेप्थ गई है इसकी वैल्यू रखी गई है 20। यहाँ पे मिडल माउस प्रेस करके ये डायमेंशन जैसे ही हमने 20 देने की कोशिश की, ये देखिए अटक गया क्योंकि ये वाली लाइन या सेंटर प्लेन पे कोइंसिडेंट हो गई। तो मिडल माउस से बाहर चलते हैं, ये जो कोइंसिडेंट लगा है इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सबसे पहले डायमेंशन टूल से बाहर आइए, स्कैप करके मिडल माउस प्रेस करके देन इसे डिलीट करिए। अब इस वैल्यू के हिसाब से इसको अंदर लेके आइए 20 एंड कमांड से बाहर चलते हैं, इसे कट कर दीजिए, एक्सट्रूड, रिमूव मटेरियल एंड रिमूव मटेरियल बोथ साइड, ऐसे कर दीजिए। तो अब देखिए थोड़ा सा प्रोडक्ट आया है हमारा शेप में। फिर से राइट व्यू देखते हैं, तो राइट से देखने पे एग्जैक्ट परफेक्ट बन गया है एंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी एक हिडन लाइन है एंड ये हिडन लाइन है। इसके व्यूज को ऑफ कर लीजिए, ये हिडन लाइन तो दिख रही लेकिन यहाँ पे भी एक हिडन लाइन। उस हिडन लाइन को बनाने के लिए ये वाला मटेरियल कट किया गया है, इस मटेरियल को कट करना पड़ेगा। ये वाला एक्चुअली में जो 20 है इस लाइन की यहाँ तक की डायमेंशन है एंड ये वाला जो मटेरियल कट हुआ है वो टोटल 25 ही कट हुआ है। तो चलिए इस स्केच को एडिट करके इसमें जो कमी रह गई उसको हटाते हैं, ये 25 ही रखेंगे एंड ओके, अब सही है। फिर से इस व्यू में चलते हैं क्योंकि टॉप व्यू है ना, यहाँ से आपको समझ में ना आए कहाँ पे क्लिक करना है तो सिंपल टॉप में चाहिए। अब जो टॉप से जो व्यू दिखे उस प्लेन पे सेलेक्ट करिए एंड एक स्केच बनाइए। स्केच बनाना है ये ब्लॉक, इसको सिंपली ऐसे बना लीजिए। इसकी टोटल डायमेंशन है 40, ये चीज 40 कर दीजिए
एंड इस लेंथ को एडिट क्यों नहीं हो रही। अच्छा इक्वल के कांस्टेंट लगे हुए हैं इस रेक्टेंगल में, पूरे रेक्टेंगल को ही डिलीट करते हैं, हम लाइन टूल से बना देते हैं। ये डायमेंशन है 40 बन गया। अब टोटल डायमेंशन 40 है तो इसके सेंटर से प्लेन को एक्टिवेट कर लीजिए, प्लेन इस सेंटर प्लेन से इसकी डायमेंशन 20 हो जाएगी। सेंटर प्लेन ये लाइन है, यह डायमेंशन 20 कर देंगे ताकि वो सेंटर में आ जाए। एंड इसकी डेप्थ है 20, ये डेप्थ यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए 20 एंड कमांड से बाहर चलिए। अब इसको आप देखिए फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये लाइन जो नज़र आ रही है ना डार्क डार्क, वो इसीलिए नज़र आ रही है कि इस स्केच से अगर मटेरियल को नीचे की ओर रिमूव करते हैं एंड ओके, ये देखिए ये व्यू मैच कर गया, फ्रंट व्यू मैच कर गया, राइट व्यू भी मैच कर रहा है, ये भी हिडन लाइन आ गई, ये भी हिडन लाइन आ गई। एंड नाउ टॉप व्यू भी मैच कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इस हिसाब से बन गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, ये है कि इसमें थोड़े से कट वगैरह ज़्यादा लगे थे, तो कुछ इस हिसाब से ऑब्जेक्ट बना। यहाँ से डिफॉल्ट ओरिएंटेशन एंड आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो यही ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों ड्राइंग को कवर करेंगे।